वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन जर्नी। माई नेम इज़ मोहम्मद रहमत खान एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट। सो फार वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरियस कोर्सेज आर ऑफर्ड फॉर 10th क्लास स्टूडेंट, दोज हु आर कम्प्लीटेड 10th क्लास स्टूडेंट SSC, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वेरियस कोर्सेज फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑल्सो। सो माई सजेशन टू यू, if your students can complete your 10th standard or maybe intermediate, if you are not select for further courses, so go through my description below. I have mentioned in a description and given a link, just go through that link and select your best courses. For more details you can contact to MRK sir. My social media, the official page are available, the MRK Academy, you can go through that and contact to me. I'll clarify to your all doubts. So no need to worry all the students, if you have any doubts you can contact to me or else my Gmail ID, the MRK Academy 675@gmail.com, you can contact through my mail ID also or else. So let's start our session today. It is very very important for those who are relating to the commerce field. It is very very good for the commerce student, those who are joining for commerce, whether it may be a CEC or MEC or also BCom, Bachelor of Commerce. Regarding these videos, very very important for those students. Okay, so let me start introduction. First we go through the introduction and then meaning of the business, and after that definition we have completed that. After that we will go through the business activities, economic activity, economic activity, non-economic activity. We will detail explain about that. If you are new to my channel, then subscribe to my channel for more educational updates. Introduction. So mere students, jo business ka jo introduction hai na uska part dekhiye. The term business refers to the state of being busy. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट को चाहिए कि कभी भी कोई भी बिज़नेस जब स्टार्ट हो रहे तो हर इंसान की हर इंडिविजुअल मेंटालिटी की क्या रहती बोल तो, पहले जो है ना द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मतलब अब तक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपनी सिर्फ एक ही लाइफ रहती, वो है पर्सनल लाइफ। उसके बाद हम जब बिजनेस में एंटर हो रहे तो हमारी ऑफिशियल लाइफ, बिजनेस लाइफ स्टार्ट होती है। इसका मतलब है, इसलिए हम इसको कहते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। अपने आप को बिजनेस में बिजी करना पड़ेगा पर्सनल लाइफ से। उसके बाद इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम विच इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो अपने बिजनेस जो है ना ऑर्गेनाइज सिस्टम रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट से लीगल होना चाहिए, जो पूरी पब्लिक में एक्सेप्टेड है, वैसा बिजनेस होना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सिस्टम। इसके अंदर बिजनेस में दो चीज़ है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री रिलेटिंग होता है प्रोडक्शन एस्पेक्ट, जहाँ पे आप प्रोडक्ट उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। एंड देन उसके बाद कॉमर्स, कॉमर्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। वंस द इंडस्ट्री इज कम्प्लीट, इंडस्ट्री में आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुँचाओगे, कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन पार्ट, कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। इफ यू बोथ कंबाइंड टूगेदर इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स, देन वी कॉल इट एज बिजनेस। इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल और वी कॉल इट एज फार्मूला, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इफ यू बोथ कंबाइंड टूगेदर इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, देन वी विल कॉल इट एज बिजनेस। दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर बिजनेस। तो आप जो भी स्टूडेंट्स, आप न्यू हो तो आपको ईजी मालूम होना चाहिए। कोई भी आपको फ्यूचर में अगर आप ये ज्वाइन करें तो फर्स्ट क्लास है बिजनेस की, तो आप इसे ईजिली आंसर दे सकते हो। तो बिजनेस, द टर्म बिजनेस रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। पहले अपने आप को बिजी करना होगा। फिर उसके बाद इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम विच इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये बोथ कंबाइन करे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स तो हो जाएगा वो बिजनेस। ये तो पार्ट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ईजी लाइफ। उसके बाद हम पढ़ते हैं मीनिंग, वॉट एग्जैक्टली इसका डीप में मीनिंग क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब क्या है, क्यों ज़रूरी है बिजनेस स्टार्ट करना, उसके ऊपर। बिजनेस ऑफ मीनिंग, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी डील करता है मनी बेस पे, जब भी हम मनी की बात करेंगे वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स नो मनी, जस्ट ओनली वी आर गिविंग सर्विस ह्यूमैनिटी काइंड।
इंसानियत के नाम पे जो काम करते हैं बगैर पैसे पे जो काम करते हैं उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं जहाँ में पैसा मनी इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स बिजनेस में कैश रहता है, अमाउंट मनी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन इज द सेम इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कॉमर्स। थोड़ा स्लाइटली चेंजेस है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। अब यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोसेसिंग का मीन्स अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है अपना। एक वक्त में प्रोडक्ट बेच दिए अपन, कुछ प्रॉफिट कमा लिए, उसको बिजनेस नहीं बोलते। बिजनेस का मतलब रूटीन एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, दैट वी कॉल इट एज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स वी नीड टू कंटिन्यू अवर बिजनेस डेली रेगुलरली। प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, वी नीड टू मार्केट अवर प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग में भी मेन इंपॉर्टेंट है अपना प्रोडक्ट जो है ना, मार्केटिंग में कैसा अपना प्रोडक्ट बिक रहा है, अपना सेम प्रोडक्ट कैसा है मार्केट में, कॉम्पिटिटर क्या चाह रहा और अपने कंज्यूमर कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, मार्केट में प्रोडक्ट की क्या वैल्यू चल रही, वो मार्केटिंग भी करना ज़रूरी है बिजनेस में। तो प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर इट में भी आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है। गुड्स मतलब कोई भी टाइप का प्रोडक्ट, जैसा वॉच है, स्पेक्स है, कोई भी टाइप का प्रोडक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज, या आप गुड्स नहीं बना रहे तो उसके सर्विसेज, उसको आप सर्विस करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं। वेदर इट में बी गुड्स और सर्विसेज विद द मेन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, विद द मेन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में एंटर होते हैं, उसको कहते हैं। मेरे स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, जो फर्स्ट अभी भी इंटरमीडिएट में आए हैं टेंथ पढ़ के, उन लोगों को जो है ना मीनिंग नहीं मालूम, तो उसके लिए देखिए, विद द मेन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा। अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉच बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने वॉच बनाने ही हमको 100 रुपीज़ लगे, तो हम उसको क्या है प्रॉफिट 50 रुपीज़ ऐड करके मार्केट में कस्टमर में 150 रुपीज़ में बेचते हैं। वो 150 और 100 का जो डिफरेंस है 50 रुपीज़, वो प्रॉफिट वो जो है ना ओनर के पास आ जाता है प्रॉफिट। इसको बिजनेस, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द मेन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए जो बिजनेस चलाया जाता है उसको बोलेंगे बिजनेस, इज कॉल्ड एज बिजनेस। तो ये हो गया आपका मीनिंग। बच्चों बहुत कन्फ्यूज मत हो इंट्रोडक्शन और मीनिंग में। इंट्रोडक्शन मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा ट्रेलर की तरह बताते हैं ना, उसका मतलब है इंट्रोडक्शन। जब आप कभी भी एग्जाम में लिखोगे, आपको कोई भी आपको पूछोगे कोई भी, तो आप ये आंसर सुनाओगे मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। इफ एनी वन आस्क टू यू व्हाट इज बिजनेस, देन यू विल आंसर दिस। ओके, उसके बाद हम जाएंगे स्टूडेंट्स डेफिनेशन पे। डेफिनेशन का होता क्या मतलब, मीन्स बहुत से ऑथर हैं जैसा LH हैनी, VO व्हीलर, ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑथर्स है, आपके मटेरियल्स में आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आप गो थ्रू जाइए। बस मैं जस्ट आपको इसका डेफिनेशन के बारे में समझाऊंगा। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, मींस डेफिनेशन कोई ऑथर की जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट रहता उसको बोलते हैं। कोई भी ऑथर अब उनके माइंड से जो उसका मीनिंग समझाते उसको डेफिनेशन बोलते हैं हम। मीनिंग का मतलब क्या है, अपन कहीं भी क्या है, अपन जस्ट उसको समझाना है ऊपर से नीचे से। डेफिनेशन में किसी ऑथर का रिव्यू बताना है डेफिनेशन, तो आपके मटेरियल्स के टेक्स्ट बुक्स के वेबसाइट के थ्रू जाइए, आपको वेरियस डेफिनेशन मिलते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन आपको मेंशन नहीं करा, आप कौन से भी गो थ्रू जाइए। अब इसमें भी डाउट्स है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, मैं क्लैरिफाई करूँगा इसका डाउट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन का, मीनिंग का। ओके तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटी के टॉपिक पे। बिजनेस एक्टिविटी जो आपका होता है, टू टाइप्स का एक्टिविटी होता है, मतलब बिजनेस कितने में टाइप में डिवाइड है। बिजनेस आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डील्स विद द मनी मैटर, व्हाट वी आर अर्निंग इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ ए काइंड ऑफ नेचर ऑफ लव एंड अफेक्शन, इट इज़ एन ह्यूमैनिटी बाई गिविंग जस्ट सर्विसेज, इंस्टेड ऑफ दैट यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, वी विल कॉल इट एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है बच्चों, कुछ भी काम आप करो उसके बदले में आप पैसे लोगे,
तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नो मनी इन्वॉल्व। आप सर्विस करोगे कि किसी की हेल्प करोगे बट आप पैसे नहीं लोगे। जैसे आप में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपके पेरेंट्स आते हैं, मदर फादर, मदर आपको बना के खाना वाना वगैरह खिलाते हैं हर चीज़ में। मदर के बारे में बहुत चीज़ें बोलने बैठे तो वो हो जाता है मदर फादर। फादर भी बाहर काम करके ड्यूटी करके पूरा आपको छोटे से लेकर बड़ा करें, आपके पेरेंट्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगी। आपके ऐसे ही रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जितने भी आपको मदद करें और आपको नो मनी, कैश के बारे में, मनी के बारे में कुछ भी नहीं पूछे, वैसे एक्टिविटीज़ को बोलेंगे अपन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या है देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मनी से ट्रांजैक्शन है, कितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब है सिंगल सेलर, सिंगल ओनर, मतलब एक ही जना जो बिजनेस स्टार्ट करता उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। एंड द नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में नाम में ही मालूम हो रहा पार्टनर, तो यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब जब दो पार्टी, दो सिंगल इंडिविजुअल, वन और वन, ए बी, दोनों मिलके ज्वाइन होना चाह रहे पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2% आर रिक्वायर्ड, दो जने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या मैक्सिमम 10% स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई अच्छा है बैंकिंग का बिजनेस हो 10 मेंबर्स, और मैक्सिमम उससे ज़्यादा अदर बिजनेस करे तो 20 मेंबर्स की लिमिट है। पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस और अदर नॉन बैंकिंग बिजनेस 20 मेंबर्स आर लिमिट। ये पार्टनरशिप फॉर्म का है। उसके बाद आपको और एक बिजनेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब आप कंपनी क्रिएट करोगे या MNC मल्टीनेशनल कंपनी, जो एक कंपनी इंडिया में भी है और एक कंपनी दूसरी फॉरेन कंट्री में भी है, उसको अपन बोलेंगे MNC मल्टीनेशनल कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब पूरा टोटली प्रोडक्शन करके कस्टमरों तक पूरा प्रोडक्ट पहुंचा के जो पैसा कमा रहे उसको बोलेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। टोटली ये कंपनी बिग ऑर्गेनाइजेशन में आता, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। ये सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म ये दोनों स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आते, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में आता आपको। उसके बाद स्टूडेंट JHF जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज वी आर लिविंग इन अवर कंट्री इंडिया एंड वी आर ब्रदर्स हिंदू फैमिलीज आर देयर, दोज हु आर जॉइनिंग हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली ओनली ब्लड रिलेटेड पीपल आर मैंडेटरी। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली में ओनली उनकी फैमिली से रिलेटिव्स के, उनकी फैमिली से जो है वो लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं बिजनेस में, एंटर कर सकते हैं आप लोग JHF। और उसके बाद अदर बिजनेस। अदर बिजनेस मतलब डिफरेंट टाइप के बिजनेस है मार्केट में जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उतने टाइप के बिजनेस है। जैसा आपका कंसाइनमेंट बिजनेस है, जॉइंट वेंचर बिजनेस है, अदर अदर टाइप के बिजनेस है आपके, तो इसमें आपको वेरियस बिजनेस है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेन इंपॉर्टेंट है सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। दिस आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एज वेल एज सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड डिग्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑल्सो। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। एंड देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डील्स विद नो मनी मैटर, ओनली गिविंग सर्विस। सर्विस ही देते, पैसे के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे, वो ऐसे उनको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसको आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बोलते हैं, दो नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका सिंपल मीनिंग क्या है आपको, एग्जांपल आपको NGOs, ओल्ड एज होम और ऑर्फनेजेस है। अब आपको मालूम स्टूडेंट्स जैसे अनाथ आश्रम चलते हैं वहाँ पे क्या करते हम, जैसा ओल्ड एज होम बोलते हो जो बूढ़े लोग हैं जिनको उनके औलाद घर से बाहर निकाल दिया किसी वजह से, वो उनके साथ नहीं रहना चाह रहे, तो वैसे बुजुर्गों को क्या करते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक ऑर्फनेज ओल्ड एज होम खोलते हैं, उसमें उन लोगों को प्रोवाइड करके सिर्फ सर्विस देते, पैसों की बात नहीं करते। इट्स बाई ह्यूमैनिटी काइंडनेस, इट इज़ ए हार्ट हार्टफुल कम्युनिटी। अपने दिल से जो चीज़ करते ना उसको बोलते ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बोथ आर सेम। इसमें NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट का काम जो नॉर्मल पब्लिक कर रही, प्राइवेट सिटीजन्स कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हो ना, तो लोगों को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं रहती गवर्नमेंट को, क्योंकि वो लोग पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, लोगों को सर्विस यानी हेल्प करना चाह रहे। NGO, ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज, जो अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मासूम जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर जाते हैं, वैसे जनों के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो पढ़ा गया है बिजनेस के बारे में, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हो या आपके और फ्रेंड्स हैं तो आप उनको इन्फॉर्म करो। इस वीडियो में रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये सेशन पे, इसको कंटिन्यू करिए आप बिजनेस के बारे में। और मोर डिटेल्स मैं अपडेट करूँगा एवरी वीक फ्राइडे और सैटरडे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूली फ्रेंड्स को शेयर करिए और पूरे ऑल स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करिए अबाउट द कॉमर्स डिपार्टमेंट फॉर CEC एंड MEC स्टूडेंट्स।